मैनपुरी में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। यहां सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी के स्टार प्रचारक की 3 दिनों के अंदर उनकी जिले में दूसरी रैली थी। यह रैली प्रदेश की हॉट सीट करहल विधानसभा क्षेत्र के कोसमा चौराहे पर थी। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए, ये समाजवादी नहीं है, ये परिवारवादी हैं। जब ये सत्ता में थे तब इनके परिवार व रिश्तेदार सहित 45 लोग सरकारी पदों पर काबिज थे। यह अपने परिवार का भला करते हैं, इन्हें जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं। वहीं धारा 370 पर बोलते हुए कहा कि जब मोदी जी की सरकार ने धारा 370 हटाई तब अखिलेश यादव कह रहे थे कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं बही। आप करहल की सीट जिता दें तो समझ लो कि बीजेपी की 300 सीटें हो गईं। 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखा था। 70 साल में तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, होता है नहीं होता है, मगर उनका मुंह नहीं छूटता था क्योंकि उनकी ब्लॉक बेंच वहां थी। ब्लॉक बेंच